अभी के सीन्स कुछ ऐसे है कि हम लोग ना बैरियर से निकल चुके हैं और आगे किसी को अलाउ नहीं कर रहे, ओनली जो लाहौल की आईडी वाले लोग। यार अभी ना यूपी नंबर की गाड़ी दिख रही है आपको, वो रेड कलर की स्विफ्ट देखो, पुलिस वालों की गाड़ी गई आगे ओवरटेक लेके ना, ये ना उसके पीछे पीछे चिपका दी इसने और आगे से। यार ये ना मैंने एक्चुअली मारुति में लगाया था 800 में ना, उससे निकाला है, यहाँ ना एंटीना में लगाना है, बट निकालते निकालते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार अभी के सीन्स कुछ ऐसे है ना, टाइम अभी हो चुका है अराउंड 12 और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, मेरे को पता है। आज मैंने दिन काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट किया हुआ है, उठा तो मैं काफ़ी पहले हूँ बट रेडी हो रहा था, फिर काफ़ी काम था करने को वो भी किया मैंने। एंड अब वेदर देख सकते हो ख़राब हो गया है, पिछले कल देखा ना धूप निकली हुई थी और आज आप देखिए बारिश पड़ रही है और सुबह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, अभी तो थोड़ी कम हो गई है। एंड लाहौल में फिर से वही हाल है, बर्फ़ पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, बट आज मैं लाहौल नहीं जाने वाला, वो डेली डेली के आपको लाहौल लेके जाना है। एंड आई होप यार पिछले कल वाली वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया ना आपको तो कमेंट में जाके ज़रूर मेरे को एक बार बताइए, बिकॉज काफ़ी मेहनत की है हमने उस वीडियो के लिए ना, बहुत मेहनत हुई है और जिप्सी में नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और अभी किस चीज़ कुछ ऐसे है कि स्नो चेंज मैंने रख ली है, जैसे कि आपको बताया था कि स्नो चेंज मेरे को रेडी करवानी है ना, तो मेरी इसके अंदर स्नो चेंज रखी हुई है और ये आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको कि नहीं, ये अंदर स्नो चेंज पड़ी हुई है, तो अभी जाके ये रिपेयर करवानी है। और गाड़ी में स्पीकर की कमी थी पीछे ना, तो मेरा स्पीकर भी निकाल दिया है, ये भी मेरे को पीछे फिट करना है, बिकॉज ना बेस ट्यूब का साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यार पीछे ना, तो एक एक्स्ट्रा स्पीकर भी मैं पीछे फिट करूंगा। आगे तो वैसे भी मेरे यार हैमर के स्पीकर्स लगे हुए अच्छे वाले ना, ट्विटर भी मैंने फिट कर दिया है, बट पीछे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि पीछे ना बेस ज़्यादा बज रहा है, तो एक एक्स्ट्रा स्पीकर फिट करेंगे वहाँ पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ना आज का दिन करते हैं शुरू, लेट्स गो। तो अभी ना स्नो चेंज मैंने यहाँ पे रख दिया एंड स्पीकर करते फिट ना, पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठंड में ना गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है। हाफ सेल्फ स्टार्ट है, 2 मिनट ना स्टार्ट ही रखते हैं इसको यार। स्पीकर तो मैंने लगा दिया है ना, और एक बार गाना चला के देखता हूँ मैं बज भी रहा है कि नहीं। तो यार स्पीकर बज रहा है अच्छे से, काफ़ी सही साउंड आ रहा है। अब मेरे को ना यार वाइपर भी ठीक कराने को, आप देख सकते हो वो वाला ठीक चला है ना, ये देखो ये ऊपर ही रह रहा है, अब देखना ये देखो, छोटी छोटी चीज़ें कराने को। ये ना मैंने एक्चुअली मारुति में लगाया था 800 में ना, उससे निकाला है, यहाँ ना एंटीना में लगाना है, बट निकालते निकालते ये देखो क्या हो गया, फट गया यहाँ से भी और ये ना कुछ यहाँ से भी फट गया, बट कोई ना चलेगा यार। हम लोगों ने लगा तो दिया ना, बट कलर एक्चुअली मैच नहीं कर रहा है, सारे ही बोल रहे हैं, आप लोग भी एक बार बताओ ज़रा कमेंट में। ये ना जब हवा आएगी ना ऐसे उड़ेगा यार पीछे को, बट कलर सीरियसली मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज मेरा कॉम्बिनेशन ना वाइट ग्रीन एंड ब्लैक का है और ये थोड़ा रेड जैसा आ गया, एक बार कमेंट में बताओ ज़रूर मेरे को ना। और ये मैं थोड़ा कुछ इस तरह से रखूँगा, ऐसे खुला देखो, काफ़ी अजीब लग रहा है। हेलो हेलो, क्या आज भी गेड़ी? पिछले कल ही हम लोग सिसु से होके आए थे ना, और पता है क्या, अब जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा ना, वेदर मैंने आपको सुबह ही बताया था कि बारिश पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, और ये लोग बोल रहे हैं कि आज भी गेड़ी माने चलो सिसु। जिप्सी वाले भाई अम्मा ना तो कभी करेंगे नहीं, एक दो एन एक राहुल की 3 जिप्सी, तो आगे की सीन ना काफ़ी मज़ेदार होने वाले, बने रही है वीडियो में एंड तक, तो करते हैं स्टार्ट। यार अभी ना बस ने लगा दिया ट्रैफिक, मैंने एक्चुअली तेल डाला था लेकिन ऐसे करना पड़ेगा, या फिर तेल आगे डालते हैं वशिष्ठ पेट्रोल पम्प में यार। यार आप लोग ना ये चीज़ चेकआउट करो, बुरे हाल से बारिश हो रही है और आगे ना बाइकर्स भी चले हुए इतनी बारिश में। तो गाइज हम लोग ना अभी सिसु निकल रहे थे एंड हम लोगों को ना गगन जी भी यहाँ पे मिल गए, देखो आगे आगे चले हुए थे। हेलो जी, कैसे हो आप? हेलो हेलो हेलो। हम लोगों ने ना आज कुछ प्लान नहीं किया था, बट ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे भी अपनी जिप्सी लग गई है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। मैं तो एक्चुअली निकला हुआ था चेन रिपेयर करवाने के लिए ना, बट जैसे ही राहुल की दुकान में पहुँचा हूँ वहाँ जाके आपको पता ही एकदम बोला इन्होंने कि सडनली कि चलो सिसु चलते हैं। तो अभी के प्लान्स तो ये है कि एक गाड़ी अभिषेक की, एक मेरी, एक गगन जी की एंड राहुल पीछे से आ रहा है, तो 4 गाड़ियाँ तो ऑटोमेटिकली हो गई है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। और मैंने काफ़ी गलत कपड़े लगा के आ गया हूँ, ये देखो अंदर से एक टी शर्ट है ठीक है, बाहर से हुडी है, शूज़ देखो आप मेरे। मेरे को ये चीज़ पता है मैं रिग्रेट करने वाला हूँ वहाँ जाके ना, बट अब क्या करें यार, चलो करते हैं इंजॉय, कोई ना गीले होके आएंगे। मैं ना अभी यहाँ पे शूट कर रहा था तो भाई आए अभी अपनी स्विफ्ट लेके ना, और इन्होंने एकदम देखा मेरे को रोका, तो भाई कह रहे कि मैंने इंस्टा भी मैसेज किया था रियली सॉरी मैंने देखा नहीं ना। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे मिलते हैं सारे ना, देखते हैं आगे जाके। मेरे को ये भी पता है कि लाहौल में भी काफ़ी लोगों ने मेरे को बुला हुआ है कि भैया वहाँ आओगे तो मिलना, तो अभी इंस्टा पे मैं स्टोरी डालने वाला हूँ कि मैं लाहौल आ रहा हूँ, जिस जिससे मिलना होगा ना मिल लेना वहाँ से। तो अभी हम लोग निकलते हैं सिसु ने और गगन जी को हम बोलते हैं बाय एंड मिलेंगे फिर से अगले ऑफ रोड पे। ओके जी बाय बाय, ओके बाय। यार आप लोग ना ये चीज़ चेकआउट करो, इतना ट्रैफिक, वो भी पलचान पुल से थोड़ा सा आगे आके, क्या लग रहा है पहुँचे गए हम? आधा घंटा ज़्यादा
ज्यादा यार, काफी लंबा ट्रैफिक लग गया है और ना अभी ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है पूरा, तो देखते हैं हाफ एन आवर तो लग जाएगा ऐसे निकलते निकलते ना। और वेदर अब एक बार चेकआउट करो, उस साइड से पूरा बारिश आ रही है और ना मेरे को सीरियसली फील हो रहा है कि मैं गलत कपड़े लगा के आ गया हूँ, बहुत ज्यादा गलत। सामने ना ट्रैफिक चेकआउट करो आप लोग, तब से लेके ना हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं यार। अभी ना यूपी नंबर की गाड़ी दिख रही है आपको, वो रेड कलर की स्विफ्ट देखो, पुलिस वालों की गाड़ी गई आगे ओवरटेक लेके ना, ये ना उसके पीछे पीछे चिपका दी इसने और आगे से पूरा ट्रैफिक लगा दिया और हम लोग तो अभी भी लाइन में फंसे हुए हैं। फाइनली ट्रैफिक से निकल चुके हैं बाहर और आप लोगों को पता है पूरा ओवरटेक लेके आना पड़ा और आगे जाके पुलिस वालों ने ना सबको रोक के रखा था और उनको हमने सिर्फ इतना ही बोला कि हमने लाहौल जाना है और हम लोगों को कर दिया यहाँ से अलाओ। और इस साइड तो पूरा खाली आप देख सकते हो, कोई भी नहीं है। अभी के सीन्स कुछ ऐसे है कि हम लोग ना बैरियर से निकल चुके और आगे किसी को अलाउ नहीं कर रहे, ओनली जो लाहौल की आईडी वाले लोग हैं ना वही जा सकते हैं। आप देख सकते हो सारे लोग ना ऐसे पैदल जा रहे हैं, अपनी बीस्ट यहाँ पे लग गई है और आगे बिल्कुल क्राउड नहीं है। और ये कौन ये आ गया अभिषेक, हम लोगों को ना काम पड़ गया अर्जेंट नीचे ना, तो नीचे जाना पड़ रहा है। अभिषेक तो निकल गया ना, मैंने भी गाड़ी मोड़ दी है। काफी देर से लेके हम नीचे जाने की सोच रहे थे बट राहुल कह रहा है कि मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, तो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग और ठंडा काफी ज्यादा हो गया है। एंड वेदर आप देख सकते हो, ये सोलांग वैली है ना और वेदर आप देख सकते हो बारिश लगी हुई है हल्की हल्की और हवा ना बहुत तेज हवा लगी हुई है। एंड सुबह से लेके चाय नहीं पिया तो भाई बना रहे भैया चाय यार। अभी ना तूफान वाली हवा चली है पता है, और मैं वहाँ पे बैठा था ना बहुत ठंडा हो रहा था, अभी भाई ने यहाँ पे स्टोव चलाया है ना और यहाँ पे गर्मी हो रही है और यहाँ पे मैं इसके नीचे बैठा था, गर्मी हो रही है। हाँ क्या बढ़िया चाय बनाई अभी हम लोगों ने, पता क्या किया यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, हम लोगों को लगा डस्टबिन है, हमने ना चाय पी के यहीं पे डाल दिया था बट यहाँ तो भाई ने साफ सुथरी प्लेट्स रखी है, सॉरी भाई। यार अभी ना बारिश काफी ज्यादा पड़ रही है ना और मैं पूरा गीला हो रहा हूँ पता है आप लोगों को, और वेदर देख सकते हो पूरी फॉग आ गई और बारिश काफी स्पीड में पड़ रही है यार। बाहर ना इतनी ज्यादा फॉग हो गई है ना और पता है अंधेरा एकदम हो रहा है, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अभी ना हम लोग निकल चुके हैं वापस मनाली के लिए और ठंड बहुत ज्यादा हुई है और आप मेरे को देख सकते हो मैं पूरी टोपी टोपी लगा के बैठ गया हूँ, कल के बाद तो पूरा पैक होके बैठना पड़ेगा यार। यार अभी ना मैं पहुंच चुका हूँ घर और टाइम अभी हो चुका है 6:25, तो आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था यार, मैं करने क्या गया था और गए कहाँ पे, हम क्या हुआ मेरे को कुछ समझ में नहीं आया पता है। और ये सब कुछ हुआ है राहुल और अभिषेक की वजह से, मैं तो नीचे गया होता चेन ठीक करवाने के लिए, फिर उसके बाद वो मेरे को ऊपर ले गए, फिर उसको कहाँ कहाँ ले गए मेरे को पता ही नहीं चला आज। और अभी जाके मैं घर पहुँचा हूँ एंड शूज़ ना पूरे गीले हो गए हैं, बिकॉज मैं वाटरप्रूफ वाले शूज़ तो लगा के नहीं गया था, एडिडास के नॉर्मल शूज़ लगा के गया था, सॉक्स भी गीले शूज़ भी गीले एंड ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया। और मेरे को ना ऊपर तो मैं काफ़ी गर्म था ना, बस पाँव मेरे ठंडे हो गए, बस गाड़ी में मेरे हीटर तो था बट जब गीले ही हो गए जूते तो हीटर भी क्या काम करेगा। अभी के सीन्स कुछ ऐसे कि घर में पहुंच गया हूँ, देखते कपड़े चेंज करूंगा अभी ना। एंड जो मेरा पिछले कल वाला व्लॉग था, अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा वो, तो जो मेरा पिछले कल वाला व्लॉग था वो अभी शुभी एडिट कर रहा है, जो फ्रेंड आया था ना मेरा शुभी वो एडिट कर रहा है, तो अभी तक उसने किया नहीं है। तो कहते 14 या 15 मिनट में पहुंचा भैया मैं और 20 मिनट की वीडियो जाने वाली कम से कम, तो थोड़ी देर में आधा घंटे में एडिट कर लेगा ना, तो 7 बजे तक एडिट करके दे देगा होपफुली, मतलब 8 बजे से पहले लाइव हो जाएगी वो। अभी देखते कपड़े चेंज करता हूँ मैं ना, उसके बाद जाएंगे शुभी के पास वो वीडियो लेने के लिए। अभी वीडियो एंड नहीं करने वाला हूँ मैं, बाद में घर आके एंड करेंगे फिर से। तो यार 8 बजने को पता है आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट है और ना मैं अभी जाके जा रहा हूँ उसके पास वीडियो लेने के लिए, क्योंकि उसका फोन आया कि भैया अभी जाके वीडियो हुई है, थोड़ा सा लेट आएगा व्लॉग। वैसे मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है कि व्लॉग 9 बजे आएगा 8 की जगह, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना आप लोग ना, और व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होगा, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है ठीक है। बट अभी तो मेरे को भी नहीं पता कि उसने कैसी एडिटिंग की हुई है। एंड उसको देखो, हेलो बेला बेला, हेलो 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 हेलो, चलते यार। और यहाँ पे पता नहीं हीटर क्यों ऑन करके रखा है मैंने यार। अभी ना 8:54 हो गया और जस्ट अभी मैं पता है पेन ड्राइव लेके पहुंचा हूँ, और ना मैं जब वहाँ पे गया और शुभी से मिला पेन ड्राइव लाया, वो मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, और अभी 8:54 पे मैं पहुंच चुका हूँ। लैपटॉप मैंने अभी ऑन कर दिया ना, तो जल्दी जल्दी से अपलोड करते यार बिकॉज मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है। तो गाइज अभी ना वीडियो अपलोड करते करते पता है मेरा लैपटॉप अपने आप ऑफ हो गया, और ये ना अपने आप ऑन हो रहा है अपने आप ऑफ हो रहा है, और मेरी जो वीडियो थी ना वो बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो रही यार। अब आप देख सकते हो मेरे को ना लैपटॉप फिर से ऑन करना पड़ रहा है अपना, और ये बार बार ऑन हो रहा है बार बार ऑफ हो रहा है, और मेरे को वीडियो अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने टाइमिंग दी हुई थी, वैसे तो मेरी टाइमिंग होती है 8 बजे की ना, मैंने उसमें कम्युनिटी में डाला था कि वीडियो 9 बजे आ जाएगी, बट अभी 9:10 हो गया पता है, और मेरा लैपटॉप मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है।
और वीडियो इतनी सही बनी हुई है, 26 मिनट की वीडियो इतनी सही बनी और ये साथ नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था मेरे को, वो कहता कि भैया आज रहने दो कल डाल देना वीडियो, बट मैंने कम्युनिटी में डाल दिया कि 9 बजे वीडियो आएगी। देखते कुछ करते यार, अगर तो लैपटॉप ठीक होता है ना तो मैं अभी डाल दूंगा, अदरवाइज मेरे को वीडियो कल डालनी पड़ेगी और कल सुबह मेरे को लैपटॉप सबसे पहले रिपेयर कराना पड़ेगा। अभी ना टाइम हो चुका है 9:32 और मैंने बहुत कोशिश कर ली लैपटॉप को ऑन करने की, बट ये बिल्कुल भी लैपटॉप मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो बेटर है कि मैं वीडियो ना कल ही डालूं अच्छे से, सुबह एक बार ले जाता हूं मैं लैपटॉप दिखाने के लिए, लैपटॉप रिपेयर करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी यार, मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो कोशिश तो मैंने बहुत ज़्यादा की ना, और मैं पता है बहुत ज़्यादा खुश था सुबह से लेके कि आज वीडियो आएगी, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, और 2 दिन से मैं वेट करा रहा हूँ सबको इस वीडियो के लिए ना। और मैंने बहुत मेहनत की हुई है इस वीडियो पे, और शूट भी काफ़ी अच्छे से किया था, शूट करते वक्त भी काफ़ी मेहनत हुई है, तो आई एम रियली सॉरी गाइज। तो अभी मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है ये चीज़ कि मैं वीडियो कल डालूंगा, तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ ना एक काम करते, मैंने रील अभी बनाई हुई है तो एक रील डाल देता हूँ, तो देखते हैं कम्युनिटी में अगर सबका आंसर यस पे आता है तो मैं रील डाल दूंगा। एंड इस वीडियो को ना हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलता हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है मेरा यार।